हेलो गाइस, सो गाइस नमस्कार फ्रेंड्स। आज जैसे मैंने आपको कहा था यस्टरडे की ऑक्सीजन और उसका मैं रिव्यू दूंगा जो नया मार्च का अपडेट पॉट हुआ था, तो उसका फ्रेंड्स आज हम रिव्यू देंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टैक। सो गाइस, बहुत लेट हो गया, वीडियो भी थोड़ी लेट अपलोड होगी और बना भी वीडियो लेट ही रहा हूँ, तो थोड़ा बिजी था, थोड़ी तबीयत भी खराब थी गाइस। सो जब भी स्टूडेंट्स जिस सकते हो, इस टाइम पोको एफ वन हाथ में और जो पॉट है वो इस टाइम 1+6 का इंस्टॉल कर रखा है, और जिसको मेरे को कमेंट से भी कोई कह रहा था कि 1+60 का जो मैंने स्टडी वीडियो बनाई थी उसका लिंक नहीं है, तो फ्रेंड्स इस वाले रिव्यू की वीडियो में मैं 1+60 का भी जो पॉट है मार्च वाला उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब बात होती है चेंज लॉक की, कि क्या क्या इसमें रिव्यू चेंजेस हुए हैं। इस फ्रेंड्स जो चेंज लॉक, उसमें 1+60 भी चेंजेस हुआ है सिर्फ, और जो आपका 1+6 का ओनली जो उसका पॉट सब चेंजेस हुए हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहला आपको इधर चेंज इधर आता है जो आपको 1+60 में है, उसमें फ्रेंड्स आपका जो क्या बोलते हैं फेस अनलॉक थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, जो आपका ट्रस्टेड फेस ड्यूरिंग इनिशियल बूट वो भी थोड़ा मतलब आपका फिक्स हुआ है। एक तरह से आपको फेस अनलॉक थोड़ा इसमें फिक्स हुआ है, जो आपका 1+60 में है, 1+6 वाली जो पोर्ट है उसमें ये वर्किंग नहीं कर रहा है। एक जिप फाइल थी वो मैंने फ्लैश करी थी, उसका पैच वो भी फ्रेंड्स वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप में वर्क रहा है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपका फेस अनलॉक का है उसका भी फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपका वर्क करा है तो वेल एंड गुड। तो फ्रेंड्स, जो आपका दूसरा है कि आपका 1+6 में जो ये वाली पॉट हुई है 9.04 में, इसमें फ्रेंड्स आपका जो थोड़ा बूट जब होता था वो थोड़ा स्लो होता था, क्योंकि अगर 845 स्नैपड्रैगन है ना, तो बूट आपको पता है फटाफट होना चाहिए, MIUI में एक झटके में बूट आपका हो जाता है फ़ोन। तो ऑक्सीजन OS में जब ये स्टार्टिंग में जब ये पॉट हुई थी तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम थी कि फिक्स्ड स्लो बूट इश्यूज थे, वो फ्रेंड्स इसमें इंप्रूव कर दिए गए दोनों वाले पॉट में, लेकिन ज़्यादा इसमें करे गए हैं आपका 9.04 मींस 1+6 का पॉट। सो गाइज, थोड़ा फिक्स्ड स्लो बूट इश्यूज भी हुए हैं इंप्रूव, मतलब आपका फटाफट फ़ोन बूट हो जाएगा अगर आपका मतलब उसको रिबूट करते हो या ऑफ़ कर देते हो, पावर ऑफ कर देते हो तो फटाफट मतलब फास्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपका इधर एक और फिक्स बग हुआ है कि जो आपकी एम्बिशन डिस्प्ले है वो भी इधर फिक्स हुई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एरर था, आपको मैंने पिछले बताया था जो आपका फ्रीक्वेंसी का एरर था, मेगाहर्ट्ज आपके सही से वर्क नहीं कर रहे थे फ्रीक्वेंसी, तो वो आपका एम्बिशन डिस्प्ले का वर्क नहीं हो रहा था, जब आप जैसे आपकी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपका एम्बिशन जो आपकी डिस्प्ले है वो वर्क नहीं कर रही थी, थोड़ी वो भी इधर फिक्स करी गई है, फिक्स्ड ओपी एम्बिशन डिस्प्ले, तो उधर भी थोड़ा आपका फिक्स हुआ गया है। और फ्रेंड्स, चेंजेस तो बहुत हुए हैं, मैं आपको ये एक रिकमेंड करूँगा कि आप 1+6 वाला पॉड यूज़ करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे फिंगरप्रिंट का ये बहुत मुझे अच्छा लगा है, एक मिनट, जैसे बहुत अच्छा लगा है। 1+60 में आपको ऐसे करना पड़ता था, फिर आपको ऐसे होना पड़ता था, तो मतलब अनलॉक करना पड़ता था फ़ोन, तो इधर आपका फिक्स्ड ओपी एम्बिशन डिस्प्ले भी इधर आपका हुआ है, फुली फंक्शनल है फ्रेंड्स ये फीचर, क्योंकि पहले में बग्स थे थोड़ा, मतलब सही से वर्क नहीं करता, कहने का मीन ये है फ्रेंड्स कि वो सही से वर्क नहीं करता, तो इधर ये भी फिक्स हो, पूरा फुली फंक्शनल फिक्स कर दिया गया है नाउ। सो फ्रेंड्स, एक और इधर आपका हुआ था कि फिक्स टचेस बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग फोन कॉल्स, तो इधर मुझे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, ये चेंज लॉग बता रहा है तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है ऐसी तो मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है या तो आप रीइंस्टॉल भी कर सकते हो। आपका फिक्स्ड टचेस बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग फोन कॉल्स तो विद स्क्रीन इज ऑफ, तो मतलब फ्रेंड्स जो आप किसी से बात कर रहे हो आपका फ़ोन ऐसे हो गया, तो आप जब इसको मतलब हाथ थोड़ा लगाते हो तो आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, वो नहीं होता था फ्रेंड्स, ये थोड़ा बग इसमें था, लेकिन मुझे ऐसा कोई अभी तक मतलब फेस नहीं हुआ है, अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो फ्रेंड्स, ये सिर्फ 1+60 में फ्रेंड्स, 1+6 में नहीं है, तो जब भी मुझे फेस नहीं हुआ कि मैं ज़्यादातर 1+6 की चलाता हूँ, जो आपकी 9.04 है वही चलाता हूँ। और फ्रेंड्स, जो आपका एक और हुआ है फिक्स्ड हेडसेट डिडक्शन, जो आपका मतलब आप ईयरफोन लगाते थे, कुछ भी लगाते थे, हेडसेट लगाते थे, थोड़ा उधर भी आपका डिडक्शन फास्ट हो जाता था, पहले यहाँ पे आपको एयर मतलब वो यहाँ पे नहीं आता था कि आपने कुछ हेडफोन लगा रखा है या कुछ भी लगा रखा है, आईपॉड्स लगा मतलब ईयरपॉड्स लगा रखे हैं, तो इधर वो नहीं आता था, जो आपका मार्क होता है नोट इधर नहीं आता था फ्रेंड्स, वो भी अब फटाफट फिक्स्ड अपना हेडसेट डिडक्शन इश्यूज थे वो भी अब इधर फिक्स कर दिए गए हैं। ये फ्रेंड्स 1+6 में है और 1+60 में दोनों में, क्योंकि मुझे भी कभी एक बार फेस हुआ था इशू कि जब मैं हेडफोन लगा रहा था तो मुझे इधर शो नहीं होता था कि हेडफोन कनेक्टेड है कि नहीं, तो वो अब थोड़ा इधर फिक्स हो गया है। और फ्रेंड्स, इधर एक और कर्नल अपस्ट्रीम, जैसे मैं आपको कहा था पिछली में जब 9.04 का अपडेट निकला था तो आपको लिनक्स ओएस का कर्नल सपोर्ट मिला था, तो अब उधर वो भी ऑप्टिमाइज करा गया है ताकि आपकी बैटरी एफिशिएंसी होए, आपका रैम मैनेजमेंट अच्छा हो, आपको पता है फ्रेंड्स कर्नल पे आधा डिवाइस डिपेंड होता है, वो आपको ही पता है, तो वो भी इधर थोड़ा फिक्स करा गया है, जो आपका अपस्ट्रीम है कर्नल का, वो जिसको नॉलेज है चीज़ की वो समझ गया होगा, उसका भी थोड़ा फिक्स कर दिया गया कर्नल के बारे में।
तो फ्रेंड्स इधर ये अब ये कर्नल फ्रेंड्स दोनों में है, क्योंकि वन प्लस 60 अभी आपको फिक्स करा गया और वन प्लस 6 में भी गया है, जो आपके दो पोर्ट है दोनों में आपको लिनक्स ओएस के कर्नल सपोर्ट मिला, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। और इधर फ्रेंड्स एक और चीज़ फिक्स हुई, जैसे आप मतलब ओके गूगल कहते थे, जैसे आपने ऐसे टैप करा और इधर आप कहते ओके गूगल, या इधर फ्रेंड्स इधर भी आप कहते ओके गूगल, तो इधर भी फ्रेंड्स ये थोड़ा फिक्स करा गया है, चलाऊंगा तो कॉपीराइट लग जाएगा, तो इधर भी फ्रेंड्स आपका थोड़ा फिक्स हुआ। जैसे आप इधर ये करा और आपने लिख दिया ओके गूगल, तो ये फटाफट रिकोगनाइज करेगा। वो थोड़ा इधर इशू होते हैं फ्रेंड्स कस्टम रोम में, थोड़ा इशू होते हैं, स्टॉक में कभी भी नहीं होता, क्योंकि स्टॉक ऑब्वियसली फ्रेंड्स हमेशा ऑप्टिमाइज रहती है। तो ये दोनों में है जो आपका फिक्स्ड गूगल डायरेक्शन है, दोनों में है। उधर फ्रेंड्स आपको पता है ये ANX कैमरे का सपोर्ट अब दे दिया गया है, बस आपको मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा और जो आपका मैजिस का 18.1 वो उसका आपको फ्लैश करना पड़ेगा TWRP से। ANX कैमरे का पिछले वीडियो में लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो पिछले वीडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो नया पोर्ट था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपका फेस अनलॉक का मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स ANX कैमरे का भी आपको सपोर्ट मिल चुका है, जो आपको इस वाले कैमरे में आपको प्रॉब्लम होती थी, जैसे आपको इधर थोड़ा ऊपर आपको प्रॉब्लम आती थी, आपको सही से दिखता नहीं था, तो ये भी इधर फिक्स कर दिया गया है, जो आपका ANX कैमरा है। अब पोर्ट्रेट मोड भी फ्रेंड्स फिक्स कर दिया गया है, आपके इधर लिखा हुआ है फिक्स्ड पोर्ट्रेट इशू फॉर ANX कैमरा, तो बहुत अच्छी बात है, पोर्ट्रेट मोड भी आपका चलेगा ANX कैमरे में। वो आपका लिंक आपको पिछले वीडियो में था, वो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स लास्ट एंड फाइनल जो आपका यहाँ पे है, ये सिर्फ वन प्लस 60 में है, क्योंकि वन प्लस 60 में आपको पता है फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले था, तो जब भी हमें थोड़ी इशू आती थी आपको इसको ऑन करने के लिए, तो वन प्लस 60 में इधर फ्रेंड्स एक इशू है फिक्स्ड फिंगरप्रिंट डिटेक्शन ड्यूरिंग स्क्रीन इज ऑफ। तो समझ गए फ्रेंड्स, अब जैसे स्क्रीन ऑफ है आप जैसे इस पर टैप करोगे फ़ोन आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वन प्लस 60 में आपका फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले था, तो आपको पहले ऑन करना पड़ता था फिर ऐसे करना पड़ता था, क्योंकि पोको का पीछे है तो वन प्लस 60 का इधर है। तो अब इधर ये बहुत अच्छा फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा है कि यहाँ पे अब सीधा आप ऐसे करोगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो वेल एंड गुड डेवलपर को बहुत थैंक्स है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब अनडेड हो गया था, लेकिन तब भी कोई ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने मेहनत करी है और ये फ्रेंड मतलब जो पॉट निकाल रहे हैं हर मंथली, तो बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स। मंथली सिक्योरिटी पैच चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जितने ज़्यादा बग्स फ्रेंड्स फिक्स होंगे रोम उतनी ऑप्टिमाइज होएगी, चाहे हमें कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो फ्रेंड्स, लेकिन बग्स नहीं होंगे ना, तो अगर बग्स नहीं होंगे तो रोम में आपको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स, आप मेरे से रिटर्न में ले लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ जितने बग ज़्यादा फिक्स होंगे ये रोम उतनी ऑप्टिमाइज होएगी। और ये जो फंक्शन है लास्ट वाला लास्ट एंड लिस्ट, ये ओनली वन प्लस 60 की GSI में, जो आपका पॉड था वो सिर्फ फ्रेंड्स उसमें है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत बोलना प्लीज़ फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। थोड़ी तबीयत फ्रेंड्स ख़राब है, जब भी बार बार प्रॉब्लम हो रही है, नौजी है थोड़ा, जुकाम की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम के, फेस अनलॉक के, आपको जैसे कैसे रोम आपने इंस्टॉल करने उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। आप चैनल भरे मत सब्सक्राइब करो, लेकिन आप टेलीग्राम के ग्रुप को फ्रेंड्स ज्वाइन करो प्लीज़, और वीडियो कुछ तो करो फ्रेंड्स, 20-25 लाइक करो, एम है प्लीज़ फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे वीडियो भी उतनी अच्छी होगी, जितना उसके वीडियो को शेयर करो। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं 4 दिन बाद, अब पोको के 4 दिन ओवर हो चुके हैं, अब अगला है मी वन का कल से, तो 4 दिन में फ्रेंड्स पोको के ऊपर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।